हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं AIPBD 2023 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम डेट, एग्जाम पैटर्न, एप्लीकेशन फॉर्म, सिलेबस, एप्लीकेशन फीस के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। AIPBD 2023 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जो स्टार्ट होगा वो होगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2023 को, वो भी ऑनलाइन मोड के थ्रू स्टार्ट होगा। कैंडिडेट मस्ट चेक देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर चेक कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म के जो डिटेल्स होंगे लाइक पर्सनल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फोन नंबर एक्सेट्रा, ऑल द डिटेल इन द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी करेक्ट विद नो, उसमें नो करेक्शन फैसिलिटी नहीं होती है। और कैंडिडेट को अपना डॉक्यूमेंट्स लाइक फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा। लास्ट डेट है सेकेंड वीक ऑफ मई 2023। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस आपको ऑनलाइन मोड पे सबमिट करना रहेगा और पेमेंट जो करना रहेगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग। और जो फीस होगी नॉन रिफंडेबल होगी वंस पेड। जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज फीस है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 900 रुपीज फीस है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 500 रुपीज फीस है। AIPBD 2023 का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए, ओवरसीज सिटीजन के लिए नहीं, और इंडियन ओरिजिन आर एलिजिबल फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। पर इसके अंदर फॉर एडमिशन BBSC एज कोर्सेज अंडर 15% कोटा। मिनिमम एज जो क्राइटेरिया है 17 ईयर्स और 31 दिसंबर 2023 तक उसकी जो एज होनी चाहिए 17 ईयर होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन होना चाहिए कैंडिडेट मस्ट पास 12th क्लास में पास होना चाहिए, वो तो कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हो कोई से भी हो पास होना चाहिए। इन क्वालिफाइंग एग्जाम कैंडिडेट पास विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश। AIPBD 2023 के एप्लीकेशन डेट्स के बारे में बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, लास्ट डेट है सेकंड वीक ऑफ मई 2023, फी पेमेंट सेकंड वीक ऑफ मई, करेक्शन फैसिलिटी थर्ड वीक ऑफ मई, एग्जाम डेट सेकंड वीक ऑफ जुलाई। हाउ टू फिल AIPBD 2023 एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसके लिए उनको आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे वो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन दिखेगा बटन इन द होम पेज, वहाँ पे क्लिक करते हैं आप सीधा वहाँ पे रिक्वायर इंटरनल रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्टर नंबर डाल के उसके बाद आपको सिंपली आपको क्लिक करना रहेगा रजिस्टर नंबर, पासवर्ड, उसके बाद आप लॉग इन कर देना। लॉग इन करते ही आपको अपना पर्सनल एकेडमिक डिटेल, फोन नंबर एक्सेट्रा डालना रहेगा। उसके बाद आपको अपने डिटेल्स को चेकआउट करके सबमिट एंड रिव्यू बटन पे रहेगा, वहां पे जाके आप सिंपली अपने फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर को अपलोड करना रहेगा। उसके बाद फाइनल में आपको सेव एंड फाइनल क्लिक बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद जब कैंडिडेट होगा विल नॉट बी एबल टू फिल चेंजेस, अगर आप फाइनल सबमिट करने का कैंडिडेट अपनी डिटेल को चेंज नहीं कर सकते हैं। आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म डेटाबेस कैंडिडेट विल बी अपडेटेड फ्रॉम द सेम डेटा ऑफ द सेटिंग एलोकेशन। पेमेंट जो करना रहेगा ऑनलाइन मोड के थ्रू होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू। इसके रिगार्डिंग हमको कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है हम आपको सबसे पहले बता देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।